दर्शकों को मैं बॉलीवुड इंडिया TV.com के जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। मेरा नाम शहनाज रिजवान है और आप मुझे मिसेस भल्ला के नाम से जानते हैं, मिसेस भल्ला ऑफ ये है मोहब्बतें। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप लोगों से इस तरह से डायरेक्ट मुखातिब हूँ। और मुझे ये भी पता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग बड़े शौक़ से ये है मोहब्बतें देखते हैं और आपकी मोहब्बतों से ही ये 2 साल से इतनी कामयाबी की मनाजिल तय कर रहा है। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का पसंदीदगी का, हौसला अफजाई का और इस प्यार का। थैंक यू। फीफा की अवार्ड की बात करें, पूछे हैं क्या है ये? बेसिकली ये परवाज मीडिया ग्रुप ने एक नया अवार्ड लॉन्च किया है, तो उनका ये कहना है कि बहुत सारे अवार्ड ऐसे हैं जो पैसे देकर लिए जाते हैं या फेवरेटिज्म में मिल जाते हैं आर्टिस्टों को, लेकिन ये एक जेन्युइन अवार्ड होगा। और मुझे इस ग्रुप को देखकर, इनकी बातें सुनकर, इनकी सलाहियतों को देखकर इस बात का काफ़ी यकीन आया है कि वाकई ये कोई जेन्युइन अवार्ड होगा। और मुझे बहुत खुशी हुई, होना चाहिए, डिज़र्विंग बंदे को उसका हक मिलना चाहिए। और आर्टिस्ट जो कि इतनी सेवा करते हैं अवाम की, उनको सही बानों में जो दाद मिलनी चाहिए वो इस अवार्ड की सूरत में मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ और मेरी शुभकामनाएं हैं इनके साथ। अभी तक कितने अवार्ड्स में शिरकत कर चुके हैं? सबसे पहले तो मैंने यहाँ आकर स्टार परिवार अवार्ड में मेरा नॉमिनेशन हुआ था लास्ट ईयर, उसमें किया था। फिर ये मेरा 4th-5th अवार्ड का फंक्शन है जिसमें मैंने शिरकत की आज। तीन तीन मुल्कों से जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, लंदन से, तो कैसी केमिस्ट्री है ये? बेसिकली मेरे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया से थे, पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान चले गए, वहाँ मैं पैदा हुई। और वहाँ पहले मैं 10 साल तक फिल्म इंडस्ट्री से, स्टेज, टेलीविज़न और रेडियो से वाबस्ता रही। फिर उसके बाद हम कराची आ गए, वहाँ पर मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की। और फिर 20 साल पहले मैं इंग्लैंड आ गई और मेरा प्रोफेशन टीचिंग ही था, लेकिन हॉबी के तौर पर फिर हम ये करते रहे। लेकिन किस्मत में फिर इंडिया आना लिखा था, तो मेरा बेटा है मावान रिजवान, वो शॉर्ट फिल्म्स और कॉमेडी वीडियोस बनाता है, तो वो इकता जी ने और बालाजी वालों ने देखा, मुझे पसंद किया और मुझे इंडिया बुलाया। इस तरह मैं यहाँ तक पहुँच गई। मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का मौका है और इसके कई रीजंस हैं। एक तो ये कि कोई वो नहीं किया गया कि भेदभाव के, भाई ये पाकिस्तान से है या इंग्लैंड से है। यहाँ पर मुझे बिल्कुल बराबरी का दर्जा दिया गया हर चीज़ में। बालाजी टीम ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया और जो यहाँ के व्यूवर्स हैं, मुझे इतनी तवक्को नहीं थी कि मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा, तो इस लिहाज से भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई भी वो नहीं है, भेदभाव नहीं है और मुझे बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया गया।